खुल गया खुल गया खुल गया नेचर व्यू फैमिली रेस्टोरेंट, जहां सभी तरह की वेज एंड नॉन वेज की कई वैरायटी उपलब्ध है। सुंदर मनमोहक प्राकृतिक नजारों के बीच आनंद ले अपने फेवरेट खाने का। यहां डेस्टिनेट मैरिज पार्टी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, एंगेजमेंट सेरेमनी आदि के लिए भी आ सकते हैं। तो पूरी हमारा पता है नियर खंडोली पार्क, गिरिडीह, झारखंड। हमें संपर्क करें अविनाश अंशु, मोबाइल नंबर 8789905694। चंदन क्यारी पश्चिमी पंचायत भवन में संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती धूमधाम से मनाई गई, जहां मुख्य रूप से नेता प्रतिपक्ष सह चंदन क्यारी विधायक अमर कुमार बावरी मौजूद रहे। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर नमन किया तथा प्रभात फेरी में शामिल हुए। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती की आज पूरा समाज धूमधाम से मना रहा है। पहली बार हम सभी ने शोभा यात्रा निकाली है। गुलामी के समय सनातन संस्कृति के धर्म के मार्ग दिखाए हुए बिना डरे अपने आदर्शों के साथ बिना किसी कुंठा के लोगों के जीवन को मार्गदर्शित किया था। कहा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास की अमर बाणी गाते हुए कहा कि ऐसा राज्य जहां ऊंचा हो या नीचा, अगड़ा हो न पीछा, एक समय समाज की रचना हो जहां सभी को अन्न मिले। कहा कि संत शिरोमणि रविदास के वैचारिक देश के नरेंद्र मोदी पूरा कर रहे हैं। आज देश में ऐसा कोई भी लोग नहीं जो भूखे रहे हैं, सभी को अन्न मिल रहा है और खुशी से रह रहे हैं। इस मौके पर जिला परिषद सदस्य उत्तम कुमार दास, दिलीप महतो, राजेश दास समेत ग्रामीण उपस्थित रहे। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 647वीं जन्म जयंती है और पूरा समाज बड़े धूमधाम से उनको याद कर रहा है, मना रहा है। पहली बार चंदन क्यारी में भी हमारा जो शोभा यात्रा हम सब लोगों ने निकाला है। संत शिरोमणि रविदास जी गुलामी के समय सनातन संस्कृति और धर्म और मानवता के मार्ग दिखाने के लिए बिना डरे बिना भय उन्होंने अपने आदर्शों के साथ अपने सामाजिक जीवन के साथ बिना किसी कुंठा के लोगों के जीवन को मार्गदर्शित किया। राज ऐसा चाहिए जहाँ मिले सबों को अन्न, छोट बड़े सब सम रहे, रैदास रहे प्रसन्न। ये रैदास जी की अमरवाणी। ऐसा राज जहाँ ना छो ऊँचा हो ना नीचा हो, ना अगड़ा हो ना पिछड़ा हो, एक सम समाज की रचना और जहाँ सभी को अन्न मिले, कोई दुख विपता में ना रहे। आदरणीय मोदी जी के इस भारत में आज रैदास जी के उस विचार को, उस मार्गदर्शन को आज पूरा कर रहे हैं। सभी के जीवन में प्रसन्नता लाने के लिए घर से लेकर के अनंत की व्यवस्था हो रही है। समाज में एक समरसता स्थापित करने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। आज देश के प्रथम नागरिक जहां एक दलित गोविंद जी बनते हैं तो एक जनजातीय महिला अपने द्रौपदी मुर्मू जी भी बनते हैं। तो समाज में एक समरसता स्थापित करने के लिए रैदास जी के बताए हुए मार्ग में आगे चलने के लिए और रैदास जी के जो जन्म स्थली है बनारस में उसे भव्य रूप प्रदान करने में आज कल ही प्रधानमंत्री ने 25 फीट लंबे रैदास जी की मूर्ति का अनावरण किया। वहाँ भव्य उनके आश्रम का अनावरण हुआ है। 7 एकड़ की ज़मीन से एक योगी जी की सरकार, मोदी जी की सरकार ने उनको महत्व दिया है। उनको जो सम्मान मिलना चाहिए था, जो नहीं मिल पा रहा था, अपेक्षित रह रहे थे, वो तो सारे लोगों को स्थापित करने का काम आज चल रहा है। मुझे लगता है कि भारत के पुनर्जागरण का, संस्कृति के पुनर्जागरण का यह स्वर्णिम काल है, जिसमें हमारे भूले विसरा दिए गए हमारे संत महापुरुषों को फिर से स्थापित करने का काम और उससे प्रेरणा लेने का काम हमारा समाज कर रहा है। रैदास जी के आशीर्वाद से यह समाज, संपूर्ण समाज आगे बढ़ेगा और विश्व के गुरु के रूप में स्थापित होगा।